ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के अंदर 60,000 में मिलने वाले डोंट मिस जो लैपटॉप है उनके बारे में बात करेंगे। ऐसे में जो लैपटॉप 70-80 हज़ार के मिलते थे उस प्राइस को घटा के सेल के अंदर में आपको 60,000 रुपया में ये लैपटॉप देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसे लैपटॉप्स मैं सजेस्ट करूंगा, इनको बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है, गेमिंग करना है, या फिर आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग करने के लिए कोई लैपटॉप लेने के लिए सोच रहे हो, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने लैपटॉप की वीडियोज देखने हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर पहले से करके रखे हो देन थैंक यू सो मच। पहला जो लैपटॉप है लिनोवो की तरफ से आने वाला आइडियापैड स्लिम 3, इस लैपटॉप को बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में आपको i7 13 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें आपको H लगा हुआ प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब मैं एक्सप्लेन करूं, उससे पहले बता दूं इसके अंदर में कोड एंड थ्रेड्स की कोई कमी नहीं है। आप कुछ भी करो, वीडियो एडिटिंग करो, गेम खेलो, कुछ भी काम के लिए ये बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। इसके अलावा इस लैपटॉप में आपको 16 GB का LPDDR5X रैम देखने को मिल जाएगा, 512 GB का SSD USD ग्राफिक्स के साथ MS Office लाइफ टाइम के लिए दिया गया है। आप गेमिंग करो, जैसे कि बताया गेम खेलो, हैवी से हैवी टास्क ये लैपटॉप इजीली निकाल के दे देता है। नॉर्मली ये लैपटॉप जो है 60,000 रुपया में बिकता है, बट डिस्काउंट आपको 7,000 रुपया का देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 7,000 रुपया का इंस्टेंट डिस्काउंट अगर आपके पास SBI का डेबिट और क्रेडिट कार्ड है। जैसे अराउंड 55,000 रुपये के आसपास में इस लैपटॉप को अपने लिए आप ले सकते हो, मिस नहीं करना है, जरूर इसको देखो। नेक्स्ट जो लैपटॉप है इस सीरीज के अंदर में आने वाला दी मोस्ट सेलिंग लैपटॉप, इसको आप बता सकते हो, और डिस्प्ले जिन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देता है उनके लिए मैं इस लैपटॉप को जरूर रिकमेंड करता हूँ। नॉर्मल डेज के अंदर में ये लैपटॉप 66,000 रुपया में बिकता है, बट सेल के दौरान में आपको 5,500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। 60,000 के आसपास में इस लैपटॉप को इजिली ले सकते हो। ASUS की तरफ से आने वाला ASUS VIVO Go 15, ये सर का स्विफ्ट Go 14 OLED सीरीज का लैपटॉप है। इसका जो डिस्प्ले है जैसे कि बताया बहुत ही खतरनाक डिस्प्ले है, 2.8K का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो डिस्प्ले है आपको 14 इंच का मिलता है। बट सबसे ज्यादा बेहतरीन जो है इसके डिस्प्ले में आपको कलर्स कोई भी दूसरा लैपटॉप नहीं है इस प्राइस के अंदर जो कि इसको टक्कर दे सकता है। इसके अलावा भी जो प्रोसेसर है i5 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है, 16 GB का रैम मिलता है, 512 GB का Gen 4 सीरीज का SSD है, इंटेल का आर्क ग्राफिक्स एंड MS Office लाइफ टाइम के लिए देखने को मिलता है। कुल मिला के अगर देखा जाए ना, इस लैपटॉप के अंदर में हर वो चीजें अवेलेबल है जो कि आपको चाहिए, बिकॉज दिस इज इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप। ईवो सीरीज के लैपटॉप के अंदर क्या होता है, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, प्राइवेसी शटर, नम पैड, बैकलिट कीबोर्ड, फास्ट चार्जिंग, जो भी चीजें रहता है ना वो सब अवेलेबल रहता है, इसीलिए ईवो का ब्रांडिंग किया जाता है इन लैपटॉप के ऊपर। तो जरूर देखो, 60,000 रुपए के अंदर बेस्ट डील हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट जो लैपटॉप है ये लैपटॉप ना 80,000 के भाव में बिकता है एक एक दिन, बट ये लैपटॉप 60,000 रुपया में सेल के अंदर देखने को मिल रहा है। इस लैपटॉप को बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए। नाम है इसका लिनोवो आइडियापैड स्लिम 5। अब ये जो स्लिम सीरीज होता है ना दिखने में तो पतले होते हैं, बट उतने ही खतरनाक होते हैं यूजर्स के मुकाबले, क्योंकि इसके अंदर में जो प्रोसेसर आपको दिया गया है ये सबसे खतरनाक 2024 का अल्ट्रा 5 125H सीरीज का प्रोसेसर है, इंटेल का सबसे ज्यादा पावरफुल या फिर अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला प्रोसेसर है। इसके अलावा अभी देखते हो जो रैम है वो भी बहुत ही खतरनाक दिया गया है, 16 GB LPDDR5X रैम मिलता है जो कि 7,466 MHz के ऊपर रन करता है। 7,000 MHz के रैम जो है वो कितने पावरफुल हो सकते हैं, नॉर्मल डेज में हमारे पीसी में जो है 3200 MHz के रैम इस्तेमाल होते हैं, बट ये 7,000 MHz के रैम है, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस मिलेगा भाई। बाकी इसके डिस्प्ले को भी आप छोड़ना मत, बिकॉज यहाँ पे आपको 16 इंच का एक WUXGA डिस्प्ले मिलता है, IPS डिस्प्ले, 300 nits का मैक्सिमम ब्राइटनेस, इंटेल का आर्क ग्राफिक्स, 100% sRGB देखने को मिल जाता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा सर्टिफाइड लैपटॉप है, बिकॉज इसके अंदर में भी आपको बहुत सारे ईवो सीरीज की तरह फीचर्स देखने को मिल जाता है, इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, नम पैड, बैकलाइट कीबोर्ड, ऑल आर देयर। 70,000 रुपए के आसपास में इसका प्राइस है, बट सेल के दौरान में अगर आप परचेज करते हो इंक्लूडिंग सारे डिस्काउंट लगा के ये लैपटॉप 60,000 रुपए में आपको देखने को मिलता है। इस लैपटॉप में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज एक 80,000 का लैपटॉप जब 60,000 रुपए में मिलता है तो कुल मिला के अगर देखे तो 18,000-17,000 का डिस्काउंट इजिली हमको मिल रहा है, यहाँ पे ही प्रॉफिट सबसे बेहतरीन बनता है हमारा। इसको जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो लैपटॉप आता है ना ये थोड़ा सा बेहतरीन लैपटॉप है, बिकॉज इसके अंदर AI प्रोसेसर आता है। AI का मतलब आपको सभी लोगों को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी के टाइम पे AI सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, और इस लैपटॉप में भी आपको AI देखने को मिलता है। ये HP की तरफ से आने वाला पेविलियन 16 सीरीज का लैपटॉप है। एक तो 16 है, इसका डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा साइज का देखने को मिलता है, डिस्प्ले में कुछ भी कमी नहीं है, क्योंकि इसका डिस्प्ले जो है आपको 16 इंच का फुल HD IPS एंटीक्लेयर डिस्प्ले दिया गया, जो कि 45% NTSC के साथ आता है, 300 nits का मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिलता है। कुल मिला के देखा जाए 16 इंच का डिस्प्ले वो मॉनिटर की तरह ही होता है, जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग के लिए कोई मॉनिटर परचेज करते हो, थोड़ा बड़े साइज का होता है। नॉर्मल डेज के अंदर 76,000 रुपीज इसका प्राइस रहता है, बट सेल के दौरान में अगर देखते हो ये लैपटॉप आपको 62,000 रुपीज में इफेक्टिव प्राइस के साथ देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग
बैंक डिस्काउंट अगर आप लगाते हो। इस लैपटॉप को बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, जरूर देखो। 16 GB रैम इसके साथ भी आता है और इसमें भी MS Office 2021 लाइफ टाइम के लिए देखने को मिलता है। अब जिस लैपटॉप के बारे में मैं बताऊंगा, ऐसा डिस्काउंट मुझे नहीं लगता इस साल में 2024 में सेल में दूसरा कोई कंपनी के लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा। ASUS की तरफ से आता है ये जो लैपटॉप है, व्यूबुक 16 सीरीज का लैपटॉप है। हर एक लैपटॉप के अंदर में जो डिस्प्ले है, जो प्रोसेसर है, एकदम तगड़े लगाए हुए हैं, बट इसका जो प्रोसेसर है ये दूसरा ही लेवल का एक प्रोसेसर है, क्योंकि इसके अंदर आपको i9 का एक 13 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस में कोई भी नहीं दे सकता भाई। क्योंकि ये लैपटॉप नॉर्मल डेज के अंदर आपको 84,000 रुपया में देखने को मिलता है, सेल के अंदर ये लैपटॉप आपको 70,000 रुपया में देखने को मिल जाता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 16,000-14,000 रुपया के इंस्टेंट डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है, करीबन 63,000 इंक्लूडिंग बैंक डिस्काउंट लगा के इस लैपटॉप को आप घर में ले जा सकते हो। और 63,000 रुपीज में i9 का 13 जनरेशन कौन देता है मेरे भाई, जिसमें 8 सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है। बाकी अगर देखते हो तो 16 GB का रैम मिल जाता है DDR4 वाला, अप टू 32 GB तक एक्सपांडेबल है, i6 ग्राफिक्स है, 512 GB का Gen 4 सीरीज का SSD है, ऑल आर एक्सपांडेबल, MS Office भी आपको मिल जाता है लाइफ टाइम। इससे बेहतरीन डिस्काउंट और ऐसा बेहतरीन प्रोसेसर वाला लैपटॉप मुझे नहीं लगता इस सेल में दूसरा आपको कोई मिलेगा, जरूर चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और राइट, थोड़ा सा बजट को अप करते हैं, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। अब ये जो लैपटॉप है ना, इसके अंदर में आपको वो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि आज के दिनों में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसके अलावा इस लैपटॉप में एक खासियत और है, आपको इसके डिस्प्ले के ऊपर टच स्क्रीन भी देखने को मिल जाता है। मतलब आप बता सकते हो कि आपका लैपटॉप जो है वो टच में भी काम करता है, मतलब टैप की तरह एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। सो आपको अगर लगता है कीबोर्ड से हम टाइप नहीं करेंगे, टच इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा एक लैपटॉप है भाई, क्योंकि इतने सस्ते प्राइस के अंदर सेल में मिल रहा है। नॉर्मल डेज के अंदर ये लैपटॉप आपको 84,700 रुपया में देखने को मिल जाता है, बट सेल प्राइस इसका 74,000 रुपीज में मिल रहा है। डिस्काउंट वगैरह लगाते हो, इंक्लूडिंग बैंक डिस्काउंट लगा के, ये लैपटॉप आपको 65,000 रुपीज के आसपास में देखने को मिल जाएगा। और ये भी स्विफ्ट सीरीज का ही लैपटॉप है। खास बात क्या है पता है, इसके अंदर में वो प्रोसेसर लगा हुआ है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, इंटेल का अल्ट्रा 5 125H, 2024 का एकदम ही फ्लैगशिप लेवल का ये प्रोसेसर है और एकदम ही न्यूली लॉन्च प्रोसेसर है, इसीलिए बहुत ज्यादा चर्चे में जा रहा है। 16 GB का रैम इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि 6400 MHz में रन करता है। इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो, स्ट्रेंज 512 GB का Gen 4 सीरीज का SSD है, इंटेल का ARC ग्राफिक्स है, MS Office लाइफ टाइम के लिए देखने को मिल जाता है। यही पर खत्म नहीं होता, और भी चीज है, इसका जो डिस्प्ले है 2.8K का रिजोल्यूशन लेकर आता है, IPS डिस्प्ले है, 100% DCI-P3 कलर गैमोट देखने को मिल जाता है। क्या चाहिए इसके ऊपर, बाकी बच्चे की जान लोगे क्या? 65,000 रुपया मिल रहा है, जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे लोग बताएंगे कि भाई हमें गेमिंग सीरीज का लैपटॉप चाहिए, या फिर ऐसा कोई लैपटॉप हमें बताओ जिसके अंदर हम लोग वीडियो एडिटिंग कर पाए, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, जिसमें ग्राफिक्स डिजाइनिंग भी आप लोग कर पाए। ऐसा नहीं कि पिछले वाले लैपटॉप के अंदर ग्राफिक्स डिजाइनिंग गेमिंग बहुत ही हार्ड कोर लेवल पे कर नहीं सकते हो, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक डेडिकेटेड GPU भी होना चाहिए। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई इन लैपटॉप्स को भी देखना चाहिए जो कि गेमिंग लैपटॉप्स है। बहुत लोग गेमिंग लैपटॉप्स पसंद करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप को छोड़ के, जो प्रोफेशनल लैपटॉप पसंद करते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, आग बंद करके पिछले वाले लैपटॉप ले लो, बट जो लोग गेमिंग लैपटॉप डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ पसंद कर रहे हैं तो इस सीरीज के अंदर आओ मेरे साथ। ये जो लैपटॉप है ये ASUS की तरफ से आने वाला टफ गेमिंग A15 है, और ये सबसे ज्यादा हाई सेलिंग वाला गेमिंग लैपटॉप है, बिकॉज़ इस प्राइस के अंदर में इसका सेल इतना है कि पिछले मंथ में 2000 से भी ज्यादा लोगों ने इसको परचेस किया है। नॉर्मल डेज के अंदर 70,000 रुपया इसका प्राइस है, बट सेल में 55,000 रुपया में मिल रहा है इंक्लूडिंग बैंक डिस्काउंट। इस लैपटॉप में ना RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है डेडिकेटेड। इसके अलावा भी जो प्रोसेसर है Ryzen 7 का 7000 सीरीज का एकदम ही लेटेस्ट 2024 का प्रोसेसर लगा हुआ है। Ryzen 7 में 7000 सीरीज गेमिंग परफेक्ट प्रोसेसर है, जो कि अच्छा कोर एंड थ्रेड्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है RTX 3050, इसके साथ कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा गेम आप निकाल सकते हो। 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटीक्लेयर स्क्रीन, 144Hz का रिफ्रेश रेट, 16 GB का रैम, 512 GB का SSD, रैम एंड स्टोरेज दोनों ही एक्सपार्ट हो सकता है। इस प्राइस में इसको बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए, 55,000 रुपीज में RTX 3050 जैसे लैपटॉप, वो भी Ryzen 7000 सीरीज के प्रोसेसर के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जो लैपटॉप है ये Lenovo की तरफ से आने वाला LOQ 2024 का बिल्कुल ही लेटेस्ट लॉन्च लैपटॉप है। नॉर्मल डेज में ये 69,000 रुपीज प्राइस रहता है, बट सेल के दौरान में यही लैपटॉप आपको 57,000 रुपीज में इंक्लूडिंग बैंक डिस्काउंट देखने को मिलता है। अच्छी बात क्या है पता है, इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है ये लेटेस्ट आपको i5 का 12450HX सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 16 GB का DDR5 रैम है इसके अंदर में, जो कि 4800 MHz का रैम है, 32 GB तक एक्सपांड कर सकते हो, 512 GB का Gen 4 SSD है। इस लैपटॉप में भी RTX 3050 आपको मिलता है 4 GB का, MS Office भी है इस लैपटॉप के अंदर में लाइफ टाइम। कुल मिलाकर अगर देखा जाए वन ऑफ द बेस्ट डील हो सकता है आपके लिए इस प्राइस के अंदर में 55,000 रुपया में। कौन देता है भाई इतने सारे
चीजें, बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट है, मिस मत करना। ऑलराइट, नेक्स्ट जो लैपटॉप है डेल की तरफ से आने वाला डेल का G15 5530 लैपटॉप है। ये भी एक गेमिंग लैपटॉप है और डेल की तरफ से जो गेमिंग लैपटॉप आते हैं वो खतरनाक लेवल के होते हैं। लाइक इसका जो प्राइस है नॉर्मल डेज के अंदर में 80,000 रुपीज है, सेल में 65,000 रुपीज में आपको इंक्लूडिंग बैंक डिस्काउंट देखने को मिलता है। सारे डिस्काउंट लगाने के बाद 65,000 के आसपास प्राइस होगा। इसका जो प्रोसेसर है ये 13 जनरेशन का है, सेम प्रोसेसर है पिछला वाला जो 12 जनरेशन का i5 था, ये i5 का 13 जनरेशन का 450HX है। 2,000 रुपया देके एक स्टेप ऊपर का प्रोसेसर लेना मेरे लिए बेहतरीन होगा। सो इसमें भी वही चीज है। इसके अलावा इसमें भी आपको RTX 30 मिलता है, बट ये RTX 30 6GB RAM लेकर आता है। इसका जो TGP है 95W का है, बहुत ही खतरनाक है। 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, बैकलिट कीबोर्ड है, 16GB का DDR5 RAM मिलता है, 1TB का Gen 4 SSD है। 65,000 रुपया के अंदर में जॉड ऑफ ड्रिल है भाई, जरूर देख सकते हो। देखो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, बट मैं दो और लैपटॉप आपको सजेस्ट करूंगा, आपको बिल्कुल ही इनको मिस नहीं करना है। इस साल का LG लैपटॉप एंड HP का विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप, इन दोनों लैपटॉप को भी बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनके अंदर भी RTX 3050 आता है और खतरनाक लेवल के जो आपको प्रोसेसर है वो दिए गए हैं और सारे फीचर्स अवेलेबल है। एक चीज तो ध्यान रहे कि ये सारे के सारे लैपटॉप 70-80 हज़ार के लैपटॉप है, जो कि आपको अंडर 60,000 मिल रहा है। जो भी लैपटॉप 65,000 में मिल रहा है, मैं बताऊंगा थोड़ा पैसा ज्यादा इस्तेमाल करके आप उनको परचेज कर लो, क्योंकि भाई वो जो वैल्यू आपको प्रोवाइड करेंगे ना, 60,000 के जो नॉर्मल लैपटॉप नॉर्मल डेज में बिकता है वो भाई आपको कभी नहीं दे सकता है। डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स बाय राइट नाउ। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप मुझे बताओ कमेंट करके कौन से लैपटॉप के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हो।